नमस्कार, न्यूज ड्रम लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। G20 खत्म हो गया, पूरी की पूरी फोकस जो है अभी देश की राजनीति पे आएगी। और इमीडिएट राजनीति अगर हम देख रहे हैं तो वो 18 सितंबर से होने वाली संसद की स्पेशल सेशन पे होगी। कल रात को, मेरे ख्याल से देर शाम कह सकते हैं, सरकार ने बताया कि संसद का एजेंडा क्या होगा, लेकिन उसमें केवल एक ही दिन का एजेंडा बताया गया। बाद में जब पता चला कि जी एक ही एक दिन का एजेंडा है, तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जयराम रमेश ने इस पर्टिकुलर एजेंडा शेयरिंग को बताया कि ये एक लेजिस्लेटिव ग्रेनेड्स है जिसको बचा के रखा गया है और वो एन मोमेंट पे या बाद में फेंका जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात और बता दें कि जिस दिन सेशन बुलाया गया था और कोई एजेंडा नहीं दिया गया था, न्यूज़ड्रम ने सबसे पहले बताया था कि ये पूरा का पूरा 5 दिन का सेशन शायद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे कंसंट्रेटेड रहने वाला है। अभी कुछ भी नहीं मालूम है, पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन शायद सबको अंदेशा है। BRS की के कविता है वहां की लीडर, उन्होंने 47 पार्टियों को चिट्ठी लिख करके बोला था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का सपोर्ट करें। कल जयराम रमेश ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया कि कुछ ना कुछ और है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एनालिस्ट शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। शेखर जी से हम चालू करेंगे और पूछेंगे कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, कितना पॉसिबिलिटी है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आए और एक्चुअल में होने वाला क्या है? शेखर जी, नीरज जी, देखिए, अगर आने वाले चुनाव पे कोई बड़ा असर होना है तो वो ऐसा कानून ला सकते हैं जिसके आपकी पॉलिटी और पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स है वो बदल सकता है। उस दृष्टि में देखा जाए तो विमेंस रिजर्वेशन बिल एक ऐसा एक मसौदा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस की हमेशा समर्थन रही है, सोनिया ने कई बार चिट्ठी लिखी है, तो ऐसा एक मसौदा जो अलायंस के अंदर, हिंदी अलायंस के, अगर भी, क्योंकि ऐसे पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हो सकता है कुछ जनता दल के भी नेता नेतागण, और ऐसे नेता नहीं चाहेंगे भाई ये हमारी डायनेमिक्स को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो हो सकता है उनका समर्थन उसको एक यूनिटी के तौर पे कांग्रेस के साथ सब सब पूरा ओपनली सपोर्ट ना करें। तो ऐसा एक इश्यू है जो वर्चुअली आप देखा जाए एक प्रकार से पूरा पार्टी सबको हिलाएगा, बीजेपी को भी हिलाएगा अगर ऐसा एक कानून ला जा रहा है, और ये सोच के कि इसको कैसे हम लोकसभा चुनाव 2024 पे इसको इंप्लीमेंट करें। तो अब देखिए TRS भी बोल रही है, सदर पार्टीज के लिए मुझे नहीं लगता इतना दिक्कत हो, या ममता को भी, ममता को भी देखिए, क्योंकि अपने आज के तारीख में MPs में भी कई महिला है उसमें, और हर जो MP है दे आर डूइंग वेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। सवाल होगा बाकियों के लिए। तो जैसे हमने पहले भी कहा था, अभी पहले एक आध दिन तो उस पर जाएगा कि G20 अच्छा हुआ, चंद्रयान बड़ा सफलता हुआ, तो सरकार के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हुए हैं, ये सब करके तो शुरू कर देंगे। लेकिन बाकी जो जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ये है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को ये करके, जी तो उसको इलेक्शन नेगेट कमीशन, करने के लिए एक प्रस्ताव है। तो ऐसा एक आध जो चीज है जो राज्यसभा में पास हुए कानून है वो वाले है। लेकिन जैसे जयराम रमेश आशंका बता रहे हैं कि भाई इसका एक्चुअल हिडन एजेंडा क्या और क्या आ सकता है, तो इसको लेकर अभी इस फील्ड ओपन है। और कोई देखिए, कोई भारत और इंडिया वो वाला सब कोई चुनाव जीतने वाला टाइप नहीं है, क्योंकि आप यूज कर सकते हैं, यूज करिए, इसमें क्या है, इसमें इसके केवल अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का यूज कंप्लीट बंद हो जाए तब जाके कानून लाना है, वो उससे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बनेगा जिसमें लोगों को, मतलब इसमें भाई बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। तो ज्यादातर हो सकता है अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए एक एक हो सकता है, बाकी UCC वगैरह के लिए समय भी नहीं है, और वन नेशन वन पोल जब कमिटी बन चुकी है, कमिटी का मतलब तो चीजें तो मतलब डिले हो गई होगी, तो क्योंकि काफी लीगल इश्यूज है, एग्जामिन करना है, वो सब मैं मानता हूँ 2024 के बाद। नीरज जी, सर मेरा एक ही सवाल था, जब इतना इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन आने वाला है, खास करके अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, तो इसको छुपा के या अंडर द कारपेट रखने की जरूरत क्या है? और वो भी आज हम ये मान के चलें कि शायद केवल 2 वर्किंग डे बचे हुए हैं।
नहीं देखिए, 17 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है, जी स्पीकर की भी मीटिंग होगी और अन्य अन्य मीटिंग्स होंगे, पार्टीज भी होंगे, अलायंस पार्टनर्स के होंगे, एनडीए की मीटिंग होगी, तो कुछ तो आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा कोई, क्योंकि हमारी भी स्पेकुलेशन यही है, कोई जी बड़ा कानून आना है तो जो कानून जिससे कोई पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो, वो ये आ सकता है। ये भी हो कि कुछ ना आए, कि जो एजेंडा बताए उसी में बस कंप्लीट हो जाए, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही ये, क्योंकि जब शुरू में कहा गया, जो जो हमारी जानकारी मिली थी सरकार के अंदर से, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर से भी यही इंडिकेशन थी, ये कोई, क्योंकि उस समय स्पेकुलेशन पहला शुरू हो गया था यूसीसी को लेकर कि जी कॉमन कोड लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इतनी इनकी प्रायोरिटी में नहीं है अभी। ज्यादातर कुछ चुनाव को देखते नजर रखते हुए या चुनाव पे थोड़ा इम्पैक्ट करने के लिए हो तो महिला आरक्षण हो सकती है। जी सर, लेकिन अगर ये स्टाइल है तो क्या ये वही स्टाइल है जिसमें आप सडनली आकर के सरप्राइज देते हैं, धप्पा मारते हैं पीछे से कि पहले नहीं बताना है? नहीं, सडननेस की बात नहीं है, वैसे ही आपको तो सर्कुलेट करना पड़ेगा बिल, इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल तो सर्कुलेट होगा। अरे लोग यही पूछ रहे हैं कि और 10 दिन पहले क्यों नहीं बता रहे? देखिए, 2010 में एक कानून तो पास हुआ था राज्यसभा, जी राज्यसभा में यूपीए सरकार ने किया था, उसी कानून को ये दुबा और उसी कानून को ये थोड़ा ये करके फिर ला दे, और थोड़ा चेंजेस जहां करना है तो करके ला सकते, क्योंकि दैट इज डुएबल। क्योंकि बात आती है डुएबल लेजिस्लेशन क्या है, तो ओके, उस डुएबल में ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है। औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, आप हमें बताइए कि ऐसे में अगर जब पूरी तरीके से स्पेकुलेशन है, कांग्रेस के अंदर क्या गहमा गहमी चल रही है? तैयारी तो उन्होंने भी कर रखी होगी। कांग्रेस का यही हाल है जो हमारा हाल है, जो जो, जो स्पेकुलेट कर रहे हैं वही वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री में सरप्राइज देने का एक बहुत बड़ा उनका एक स्टाइल है। हाँ अभी अभी मैंने जिक्र किया, पीछे से आके धप्पा। हाँ तो हो सकता है, देखिए, बट जैसे शेखर ने बहुत ही विस्तार से बोला कि एक ही मुद्दा है जिसपे चुनाव में जिसका इम्पैक्ट हो सकता है और विजिबल इम्पैक्ट होगा, वो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। बहुत महिलाओं को ये, और पार्टियों को अभी से दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखेंगे अंदर खाने में, ये सोचने लगे हैं कि आप क्या किया जाए। 33% रिजर्वेशन कोई मामूली रिजर्वेशन नहीं, बहुत बड़ा चंक है। तो अगर आपको 100 में से 33% 33 महिलाएं लानी है, तो पहले तो पार्टीज को ढूंढनी पड़ेंगी वो 33 महिलाएं, मैं 100 में की बात कर रहा हूँ। तो इतना एक अंदर से चर्निंग तो होने लगी है। देखिए, अगर कांग्रेस, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अगर सीरियस होती जिस तरह से उन्होंने बाकी उस टाइम अपना बिजनेस ये किया था, वो इस बिल को भी पारित करवा देते। कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हम करना चाहते हैं, वो हाफ हार्टेड स्टेप है था। चूं दो की सोनिया गांधी ने काफी दिखा दिया था, कि जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, जब पास हुआ था एक हाउस से, तो उन्होंने महिलाओं को बुलाया था, सांसदों को और पत्रकारों को भी। जी लेकिन कोई ऐसा, जिस तरह से अगर सरकार जो चाहती है कोई भी एजेंडा, तो उसको पारित करा के ही देखती है, ये हमने देखा है कई सालों से। तो जी अगर ये चाहते उस टाइम, तो इसको करा देते। जन अभी लोक लोकपाल होता तो करा देते, तो नहीं यूपी कर। यूपी 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 के टाइम पे भी, इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा था, हम सब ने देखा था, प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा पोस्ट था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो शायद से इनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मैं नीरज आपको ये बता दूं, जैसे शेखर ने कहा कि इसमें कांग्रेस डिफेंसिव पे नहीं आएगी, आएंगी तो ये स्मॉल पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो इनका पर्पस, बीजेपी का पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि आप इंडिया अलायंस में अंदरूनी वहां पे आप तोड़फोड़ स्टार्ट करा दोगे, कहेंगे कि नहीं जी, हम क्या पता कुछ पार्टीज इसी को लेके छोड़ दें, ये कोई ये, क्या क्या आपको लगता है कि कुछ ये करने देंगे 5 दिन में? यहाँ तो सिचुएशन ये है कि महीने भर का अगर पार्लियामेंट सेशन होता है उसको भी डिसरप्ट कर देते हैं डिफरेंट इश्यूज उठा करके। अभी सोनिया गांधी ने भी 9 पॉइंट एजेंडा बना करके प्रधानमंत्री को लिखा था, उसके बाद जेपीसी एक अलग से है अडानी मामले पे। मेरे ख्याल से ये कोशिश नहीं करेंगे कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट को डिसरप्ट नीरज कर दिया एक जाए? चीज है, इस मुद्दे को लेके मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा कुछ। देखिए, पॉलिटिक्स चेंज हो रही है,
आजकल की महिलाएं, आजकल के युवा, अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इवन आरजेडी को इसको अपोज करने में, इवन समाजवादी पार्टी को अपोज अपोज करने करने की में। बात नहीं है, पार्लियामेंट ही ना चलने दे तो फिर कैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा? नहीं देखिए अगेन, पार्लियामेंट को चलाना गवर्नमेंट का ओनस है, और गवर्नमेंट अगर चाहेगी इस बिल को पारित कराना, देखो ये बहुत बड़ा स्टेप रहेगा, जी तो वो किसी भी हालत में इसको करवा देंगे। फिर वो उसमें देखिए, उसमें थोड़ा सा आपके रोग एलिमेंट्स होंगे कुछ, उनको आप मार्शल के थ्रू, हमने देखा है पीछे भी मार्शल्स यूज किए गए थे, इस जी बार फिर मार्शल्स को यूज किया जाएगा। और खाली बीजेपी सरकार ने नहीं यूज किए थे, पीछे यूपीए में भी हमने देखा मार्शल्स को यूज करते हुए, तो तो उसमें कोई आपके हिसाब से सोनिया गांधी की चिट्ठी, प्रधानमंत्री को 9 पॉइंट एजेंडा और जेपीसी की डिमांड, अडानी मुद्दे पे ये कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे? भाई आप जैसे ही बिल आएगा तब आप ये हंगामा नहीं कर पाओगे, जी आपका ऑप्टिक्स क्या जाएगा बाहर, तब आप ये वो भी देख लोगे। अच्छा हाँ तो आप दूसरे, जब ये चलेगा, ये G20 पे चलेगा, बाकी किसी चीज पे चलेगा, तब शायद वो कर सकते हैं कि आप मणिपुर डिस्कस करो, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करो, ये सब कर लो, तब वो कर सकते। लेकिन जैसे ही अगर आपने विमेन रिजर्वेशन बिल लाई, तब आप क्या करोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप बाहर जी पूरी पूरे देश को? तो शिक एक 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 ये है कि यही एक बड़ा मुद्दा है। बाकी जैसे शेखर ने कहा कि नाम बदल दो, रेजोल्यूशन आ सकता है कि हमें मैक्सिमम यूज करना चाहिए भारत, वो सब ठीक है, लेकिन लग रहा है, मेरे को भी जो लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और अगर ये आएगा इसके बहुत सारे नतायज भी सामने आएंगे। शेखर जी के पास जाना चाहूंगा। शेखर जी, आप मुझे ये बताइए कि जो इंडी ब्लॉक है, इंडी अलायंस या इंडी ब्लॉक पे ये वुमेन रिजर्वेशन बिल का इशू कितना भारी पड़ेगा इन लोगों के लिए? देखिए जिस पार्टी इसको अपना लेगा उसको फायदा है, जो विरोध करेगा उसके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको अपना ले, क्योंकि ये वाकई सबके लिए प्रॉब्लम है, बीजेपी के लिए भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की रेडी वुमेन लीडर्स है, ठीक है उनके कैडर में काफी है, जैसे कांग्रेस में भी है, और बड़े एम्बिशियस भी है, काम भी करते हैं पार्टी के लिए, दोनों कांग्रेस और बीजेपी में इतना नहीं है। मेरे ख्याल में लेफ्ट पार्टीज में भी काफी महिला का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं वहां के महिला कैडर से भी, कि देखिए क्या है प्रधानमंत्री की सोच जो है कि भाई नए नए लीडर्स शुड कम, और यंगर जनरेशन आ जाए, और युवा आ जाए, संसद तक आ जाए, अगर वो आ जाएंगे तो एक नया ऊर्जा आएगी, वो इनकी एक पोलिटिकल थॉट रही है। तो कांग्रेस को भी, अगर कांग्रेस इसको अपना लेगी, जो जो इसको विरोध करेंगे जैसे अरुण सिंह कह रहे थे, वही छोटे पार्टीज करेंगे, या अगर मान लीजिए कांग्रेस ये स्टैंड ले ले, ठीक है हम ये कानून को समर्थन करते हैं, लेकिन इस वक्त आप इसको ला रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ फायदा लेना चाहते हैं 2024, हो सकता है ये नैरेटिव को ये करे, लेकिन फिर भी एक मुश्किल है, क्योंकि लगातार सस्पिशन क्यों है ये बता दूं कि जी प्रधानमंत्री बार बार लाल किले से लेकर महिला शक्ति को लेकर, महिला शक्तिशाली मतलब एम्पावरमेंट को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर, और इस बार जब इसरो चंद्रयान हुआ था, अलग से 200 महिला साइंटिस्ट से भी मिले, तो उनकी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग रही है हमेशा। तो अगर ये सचमुच में ये एजेंडा में है, ये लाए, क्योंकि एक स्पेशल अधिवेशन बुला के केवल आप चंद्रायन G20 और इसके लिए करेंगे, और नए संसद में बैठेंगे, भाई नए संसद में अगर आप बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, अगर एक बड़ा कानून आप पास करेंगे, वो तो बड़ा हिस्टोरिकल स्टार्ट होगा। जी सर, मेरे पूछने का मतलब ये था कि कल इंडी ब्लॉक की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी जो कि पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले हो रही है, इसके बाद कोई इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली नहीं है। वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो इसके बारे में डिस्कस किया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इतने डिस्कस किए, ज्यादातर उनका यह था सीट शेयरिंग को लेकर प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, सीट शेयरिंग एक्चुअल लिटिग्रिटी पर नहीं हुआ कल, भाई जी प्रोसेस करना है तो कमिटी सब कमिटीज बनावे या स्टेट लेवल पे कमिटीज बनावे, तो ये सारे सोच कल हुआ था। और दूसरी बात भाई जो भोपाल रैली की जो हुई है, लेकिन तीसरी बात जो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, और मेरा जो अनुभव है कांग्रेस कवरेज को लेकर, ये बड़ा आश्चर्य लगा कि उन्होंने जो अभी उनकी मीडिया कमिटी की एक रिपोर्ट को डिस्कस किया, भाई किन किन चैनल और किन किन एंकर्स को हमें बॉयकॉट करनी है, हमें नहीं जाना है क्योंकि वो हमारी खिलाफ है या हमारी मैसेज नहीं ले रहे, ये मुझे एक एक औपचारिक रूप पे इसको डिस्कस करना मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम एंकर्स नहीं है,
आपका प्रॉब्लम्स टेलीविजन चैनल्स नहीं है, आपका प्रॉब्लम्स है कि द मीडियम इज द मैसेज। देखिए जब मोदी जी की ग्रोथ हुई 2012-13 से, मतलब 2002 से लेकर 2013 तक, उनके साथ में कोई नेशनल मीडिया नहीं था, जी बट वो लगे रहे। तो वैसे ही तो मुझे लगता है कि आपको अगर आपके ग्राउंड पे चेंजेस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नोटिस करना होगा, इसमें तो कोई ये नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एंकर्स को नेम करना, उस पर काफी सोशल ट्विटर में भी गेस वर्क शुरू हो गया, भाई फलाना फलाना लोग के पास नहीं जाएंगे कांग्रेस। देखिए कांग्रेस को ऐसे समय में इस तरह की एक अप्रोच, क्योंकि ये पहली बात, जब पहले ये बात की गई थी जब रणजीत सिंह सुरजेवाला कम्युनिकेशन के मैनेज करते थे, तब पार्टी के अंदर ही काफी आलोचना हुई, भाई इस तरह हम मीडिया को क्यों हम करें। फिर आप जो बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ये किसी किसी वर्क को बॉयकॉट करना, वो भी तो वही है भाई, आप हम सत्ता पे नहीं आए, अब आएंगे तो हम आपको देख लेंगे, इस तरह की तो मैसेजिंग भी हो रही है। क्या वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की मैसेजिंग है कि आप प्रेस को रेस्पेक्ट करते? वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कल के एजेंडा में, ये भी मुझे बड़ा, मतलब कैसे इस तरह की आप ये करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया मीडिया ये कंट्रोल कर रहे हैं, बंगाल में क्या कवरेज हो रही है ममता के खिलाफ बताइए, जी मगाबी कई ममता लोकल बंगाली चैनल कोई ममता के खिलाफ कवरेज नहीं है। क्यों? तमिलनाडु में कोई चैनल वहां कवर नहीं कर सकता है, जिस तरह सनातन धर्म के हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, किसी जी टीवी चैनल तमिलनाडु में नहीं डिस्कस किए, क्योंकि वहां क्या है, केबल भी सरकार कंट्रोल करती है, केबल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक आरएसओ केबल है, उस जी आरएसओ जी मतलब सरकार, हाँ हाँ सरकारी हाँ केबल से जाता है, रीच ज्यादा उसी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको लेकर क्यों एक, मतलब अनऑफिशियली आप तय कर सकते हैं भाई इनके साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन एक फॉर्मली इस पर डिस्कशन होना और बाकी ईडी लीडर्स भी इस पर सहमत हो रहे, कहीं ना कहीं आर दे रिवीलिंग देयर प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, ये सवाल है। औरंगजेब भाई, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली आप सोच करके देखिए कि यही काम अगर बीजेपी ने किया होता, बीजेपी ने बिल्कुल पब्लिकली आकर के बोला होता कि हमें इस एंकर को बैन करना है, इस एंकर के ऊपर मुकदमा करना है, तो फिर नेशनल मीडिया में कितना बवाल हुआ होता? नहीं, इसमें तो हाइपोथेटिकल करने की जरूरत ही नहीं है, जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कोई भी करे, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो कांग्रेस करे, गलत गलत है, ठीक है, इसमें किसी एक पक्ष की बात नहीं करनी है। आपको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो बीजेपी कर रही है, तो अगर यहाँ पे रवीश कुमार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्णब गोस्वामी की भी बात करनी चाहिए। तो जी हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन रियल सेंस होना चाहिए। तो ये इसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, जो भी ये कह रहे हैं, जैसे शेखर ने कहा कि ये गलत, ये आश्चर्य वाली बात है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। हालांकि मैं शेखर 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले जब अजय माकन थे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयर पर, उन्होंने भी अपने एंकर्स को, अपने लीडर्स को कुछ चैनल्स पे जाने को मना कर दिया था, और फिर एक डिजास्टर हो गया, राहुल गांधी अरविंद गोस्वामी इंटरव्यू, तो उसके जी बाद तो बाकी हिस्ट्री है। तो हाँ देखिए अनऑफिशियली आप कर सकते, मतलब ठीक है आप तय कर लेंगे भाई ये हमसे, इनसे कंफर्टेबल नहीं है, नहीं, मैं लेकिन वही कह यूं ही रहा हूं, भाई आप मिलकर बैठ कर आप कर रहे हो ये, तो बिल्कुल, सर ये अनऑफिशियल तो कुछ होता नहीं ना सर, अभी तो एफआईआर जिस तरीके से हो रहे हैं, एफआईआर कैसे अनऑफिशियल हो रहे हैं? नहीं, अब नहीं, पुलिस ये नहीं, अभी तो इन्होंने तय किया इनको बॉयकॉट करेंगे। जी तो आप मैं सोच सकते हैं इंडिया अलायंस में ऐसे सब्जेक्ट आ सकता है क्या? सही बात, ये ऐसे देखिए, इनकी लड़ाई मीडिया से थोड़ी है, नहीं, इनको वो मुझे इनको एजेंडा लड़ना, कहीं लगता इनको है, इनको लड़ना चाहिए, इनको पॉलिटिकली लड़ना नहीं चाहिए। इश्यू, नहीं इश्यू के अलावा मैं दूसरा कहीं कह रहा हूं कि जो एक प्रकार से इनएक्सपीरियंस्ड अप्रोच लग रहा है मुझे, हाँ क्योंकि बिल्कुल, अगर क्योंकि आपका आपका तो योर प्रॉब्लम इज विद द वोटर्स, एग्जैक्टली अगर सर, वोटर आपको भी, तो आप जाके आप वोटर को भी बॉयकॉट करोगे क्या, क्योंकि कल हमें वोटर नहीं की दे रहे? बिल्कुल कल की बात है सर, कल रात को मेरे पास किसी का कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूंगा ना चैनल का ना चैनल के अधिकारी का, उनके पास एक एंकर है जो कि कंप्लीटली लेफ्टिस्ट माइंडसेट के हैं, हम ये कह सकते हैं, या अगेंस्ट मोदी रहते हैं, और उनके पास दूसरे एंकर हैं जो कि बहुत ही मोदी भक्ति में लगे रहते हैं। इत्तेफाक से तो बैलेंस कर रहे हैं दोनों। हाँ, इत्तेफाक से नहीं, बैलेंस तो ठीक है,
मैंने उनको बोला है कि जब तुम्हारा लेफ्ट वाला एंकर, जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड किसी बहुत बड़े मामले में फंस गया था, तो उस टाइम पे एक उनको बोल दिया गया था जी हम आपको एक्सेस आपकी मुश्किल होगी। सब आप लोगों को मालूम है, राष्ट्रपति भवन ने बोला था कि तुम्हारी एक्सेस मुश्किल होगी। इतनी ही बात हुई थी। जब दूसरे ने कुछ किया, जो राइटिस्ट राइट हैंड है, राइट हैंड ने जब किया तो उसके ऊपर 2 दिन पहले कर्नाटका में मुकदमा ठोक दिया गया, FIR, वो भी नॉन बेलेबल FIR थी ऑलमोस्ट। हालात इतने हैं कि अब वो यहाँ दिल्ली से बाहर कहीं निकलना नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। मैंने उनको बोला कि अब आप डिसाइड कीजिए कि डिक्टेटरशिप और सेंसरशिप कौन कर रहा है, कौन करता है, कौन करता था और कौन आगे करता रहेगा। अभी तो अपोजिशन की हालत ये है, अपोजिशन में है तब ये हालत है, जब सेंटर में सरकार बना लेंगे तब तुम लोगों का क्या हाल करेंगे, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। तो हालांकि मेरी एडवाइस बिल्कुल पर्सनल एडवाइस थी, लेकिन ये एक्चुअल में एक वरेसम सिचुएशन है कि जर्नलिस्ट जो कि हम लोग अपना काम करते हैं, और जब ऊपर नीचे हो सकता है, कोई अपना ओपिनियन देता है, कोई दूसरों का ओपिनियन लेकर के कोई बात कह देता है, कोई पब्लिक के हवाले से कह देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के पीछे डंडा लेकर के दौड़ते रहोगे। औरंगजेब भाई कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ हम तो अपना ही काम नहीं कर रहे हैं ना, जी यही तो प्रॉब्लम है ना, हम अपना ही काम नहीं कर रहे हैं। आज आप मुझे बताइए कि अगर मैं साइड नहीं लूंगा, कोई भी अगर साइड लेना मेरे लिए ये बन गया है, लेकिन हमने, मैं आपको बता दूं, जो आदमी आजकल कह रहे हैं कि अगर हम न्यूट्रल हैं, जिस तरह से हमें ट्रेन किया गया था कि आपको क्या करना, हमें कोई सर, पूछता भी नहीं। न्यूज़रूम है ना, न्यूट्रल है, और कौन कहता है नहीं पूछता है? नहीं चार नहीं नहीं मिलियन चार मिलियन पेज व्यूज है हमारे। मैं वो उसकी वो नहीं मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा कि अगर आज मुझे ट्वीट करना है, या तो मुझे एंटी मोदी करना है या प्रो मोदी करना है, तभी मैं सर्वाइव करूंगा, अदरवाइज मेरे वही 3,000 फॉलोअर्स रहेंगे और 3,000 पे अटका ये रहूंगा। तो आप अपना, लेकिन ये अपना दर्द बता रहे हैं आप। नहीं नहीं मैं दर्द मुझे देखिए, अगर मुझे ये करना होता तो मैंने 9 साल में किया होता है, जी और मुझे कोई रोकता नहीं है, मेरे पास कई ऐसे था, मैं कुछ ये भी तो कर सकता था। सेल्फ सेल्फ कंसाइंस मैं है। आपको कह रहा हूँ कि लेकिन हमारी ट्रेनिंग, मैं तो उसी स्कूल से है जहां से शेखर, हमने हमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि हमने इन्हीं से सीखा है, तो वो अलग बात है कि हमारा अंदर के वो नहीं होता कि हम वो करेंगे ही नहीं, जो है वो ही बोलेंगे, जो है वो ही दशा। तो रही बात ये कि इनका आजकल हम अपना ही काम नहीं कर रहे, ये बड़ी ये है, क्या कहो, अनफॉर्चुनेट बात है। सर ये तो अपना काम तो कोई भी नहीं करता है, पॉलिटिशियन आके जर्नलिस्ट का काम करते हैं, जर्नलिस्ट जाके पॉलिटिशियन के पॉलिटिशियन बारे का में तो काम मैं करते बोलना नहीं चाहूंगा, वो हैं। पॉलिटिशियन के बारे में तो मैं बोलना है, मैं तो अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में बोलूंगा कि हम अपना काम नहीं करते, और अगर ईमानदारी के साथ करते, ना मुझे ए का डर रहेगा ना बी का डर रहेगा, हम अपने काम से काम मतलब रहेंगे। तब आप शेखर से पूछिए, हम उस संस्था में काम कर रहे थे जहां बोलते थे कि इसके खिलाफ नहीं लिखना है, उसके खिलाफ नहीं लिखना है, उसके खिलाफ नहीं लिखना है, और मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, आप चाहे किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये सब हमने देखा भी है। बहुत सारे मेरे कलीग्स को आपने ए के खिलाफ लिखा, बी चेंज हो गई। तो ये मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ये आज का फिनोमेनन नहीं है, ये तो पुराना है, अब पहले 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 छुपा हुआ था, अब ओपन में हो गया। कोई छुपा नहीं था। नीरज नीरज जी, नीरज जी, मैं एक उदाहरण देके समाप्त करना चाहता हूँ। जी, जब हम जर्नलिज्म में मतलब हमने देखा है, शारदा प्रसाद थे मीडिया एडवाइजर टू इंदिरा गांधी। शारदा प्रसाद क्या करते थे, UNI में हम स्टोरी फटाफट चलाते थे, इंदिरा जी का जो भी भाषण है कुछ है, तो मान लीजिए कोई बड़ा समिट हो, कॉन्फ्रेंस हो, कहाँ आके वो शारदा प्रसाद आके आपके पास खड़े हो जाएंगे, आपके कॉपी देखेंगे। वो क्या करेंगे कि आपने अगर इंट्रो में और कोई पॉइंट हाईलाइट किया है, वो चाहते ये हाईलाइट हो, वो देखकर बोलेंगे आई थिंक व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैड इन माइंड करके कुछ बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर आपको लगेगा यार वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने तो ये लीड लगाया, तो फटकी आप सेकेंड लीड लगा देंगे या और कुछ लगा देंगे, क्योंकि वो एक सटल मैसेजिंग था। उसके बाद हमने देखा मणिशंकर अय्यर को, वो भी मीडिया हैंडल करते थे, तो कहीं आ जाते थे तो कहीं कांग्रेस के अधिवेशन या कहीं आ जाते तो आके आपके सामने पीछे आके देखेंगे टाइपराइटर में आप क्या टाइप कर रहे हैं, फिर ऐसे कॉपी देखेंगे, बोलेंगे व्हाट हैव यू रिटन, दिस इज नॉट व्हाट द PM हैड इन माइंड, करके चले जाएंगे। तो इसीलिए उनको एक टैग दिया गया, न्यूज एडिटर ऑफ इंडिया, जब मणिशंकर अय्यर राजीव के टीम में थे, उनका अप्रोच अलग था। शारदा प्रसाद ऐसे नहीं करते थे,
ऐसे लाइटली कह के जाएंगे, यू नो देर आर टू अदर एस्पेक्ट, ऐसा इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे वो जाने के बाद आधा घंटा आप सोचते रहेंगे यार वही तो लीड पॉइंट है, कल और कोई लगा देगा। तो बिल्कुल ये स्टाइल अलग हो गई है, मुझे नहीं लगता अगर प्रणब मुखर्जी जैसे नेता हो तो, एके एंटनी जैसा नेता हो और बड़े नेता इस तरह की बातों को ठीक है कि प्रणब मुखर्जी डांटते थे जो जर्नलिस्ट को कभी कभी, गुस्सा उनकी गुस्सा तो सब जानते हैं, जितना बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल होते थे फिर ठंडा हो जाते थे, लेकिन वो अलग था। लेकिन एक स्पेसिफिकली ये करना, ये मुझे लगता है कि क्या कि कहां मतलब हमारी जर्नलिज्म के लिए भी चैलेंजेस है, पॉलिटिशियंस के लिए भी चैलेंज है। औरंगजेब भाई, जब मैंने बोला कि अब ओपन में हो गया है सब कुछ, उसके पीछे एक ही वजह थी कि अब ओपनली लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में उनके स्पोक्समैन पर्सन की तरह बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, पहले हाँ इतना हाँ ओपन बिल्कुल, नहीं था, और ये सब चीज मेरे ख्याल से वही तो ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे चालू हुआ था। उसी पे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट है। शेखर ने अभी प्रणब मुखर्जी की बात की, हमारी एक वरिष्ठ सहयोगी थी अब रही नहीं, जी नोरा चोपड़ा, वो उनको फोन करके पूछती थी कि कल ये कैबिनेट रिशफल में क्या क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्टर फोन करके पूछ रही है कि क्या हो रहा है, तो वो भी दिन थे। तो ये लेकिन भी वो बहुत डांट खा खा कर वो अपने बिल्कुल नजदीक चली गई थी। बिल्कुल, और देखिए अल्टीमेटली वो अपना काम करती थी। नहीं, खबर तो उसी के पास था, उसके कॉलम कितने पड़े जाते थे। हैं? बिल्कुल 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 उम्मीद करता हूं कि वो दिन फिर से लौटेंगे हाँ शायद से, और बस उम्मीद की जा सकती है। लगता नहीं है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग स्टार हो गए हैं, सबके कुछ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं, और वो उनको अपने फॉलोअरशिप और उससे होने वाली इनकम से ज्यादा चिंता है सिवाय जर्नलिज्म के। और नीरज वो लोग जर्नलिस्ट बन गए हैं सोशल मीडिया पे जिनको जर्नलिज्म का जय नहीं मालूम है, बिल्कुल 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 और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है वो। और बिल्कुल मैंने ये, फिर आप बोलोगे कि आपका दर्द दर्द नहीं, मैं खाली नहीं ये क्या, मैं लोगों नहीं, मैं लोगों की ये मैं आपने देखता मैंने हूँ, मैंने वो केवल नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं का नहीं देखा नहीं वो था। उसी पे लेके कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमारे इंटेलेक्ट कितना नीचे गिर गया कि उन लोगों के 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख फॉलोअर्स है, बस हाँ इतना कहना चाहता हूँ। उनके जिनका कोई वास्ता नहीं है जर्नलिज्म से, लेकिन अपने आप को वहां पे बायो में जर्नलिस्ट लिखते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमने स्टार्ट पार्लियामेंट से किया था, आ गए जर्नलिज्म पे। फिर हम जोड़ेंगे किसी बहुत ही खास मुद्दे को लेकर के। दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद।